नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने कृषि को अपनी प्रधानता के रूप में स्वीकार कर उसको अपने कार्यकाल में प्राथमिकता दी है। कृषि के क्षेत्र में अनेक योजनाओं के माध्यम से कृषक की आमदनी बढ़े और उसको खेती करना आसान हो, इस दिशा में योजनाओं के माध्यम से अनेक निर्णय लिए हैं जिससे किसानों को फायदा हो रहा है और उनकी आय में वृद्धि हो रही है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ की फसल की MSP को स्वीकृति प्रदान की है। यह स्वीकृति सभी जिनसों में 50% या उससे अधिक की वृद्धि हुई है। इससे किसानों को निश्चित रूप से अपने उत्पादन का अच्छा मूल्य प्राप्त होने वाला है। इस निर्णय के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और देश भर के किसानों को बधाई इस मौके पर देना चाहता हूं। आप सब इस बात को जानते हैं कि पहले MSP का निर्णय सरकार की मर्जी पर निर्भर करता था और UPA सरकार के समय 5-10 रुपये कुंटल पर बढ़ाकर सरकार अपने निर्णय की इतिश्री कर लिया करती थी। नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसान की फसल पर आने वाली लागत में 50% मुनाफा जोड़कर MSP को घोषित करने का निर्णय किया। यह निर्णय निरंतर चल रहा है और इस निर्णय के फलस्वरूप किसानों को अच्छी आय हो रही है और उनको अच्छा उपज का मूल्य मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी की लगातार यह भी कोशिश है कि किसान का जो हक है वो किसान तक पहुँचे, खेती करना उसके लिए सरल हो और वो अच्छा मुनाफा कमाए। इसलिए कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का को पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। इस दिशा में प्रधानमंत्री जी ने अनेक निर्णय किए हैं। एक विषय का मैं जिक्र यहाँ करना चाहता हूँ। देश भर में 11.5 करोड़ किसानों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से 2.5 लाख करोड़ रुपया उनके खाते में जमा करा दिया गया। यह अपने आप में अद्भुत निर्णय है। इसमें ना कोई बिचौलिया है, ना किसी प्रकार का लीकेज है। और ठीक इसी प्रकार से फिर चाहे वो फसल के आकलन का विषय हो, चाहे फसलों के जो प्राकृतिक प्रकोप से नुकसान हो जाता है उसके मूल्यांकन का विषय हो, इसमें भी टेक्नोलॉजी अप्लाई करने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। जैसे जैसे निर्णय इम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो किसान को उससे फ़ायदा हो रहा है। मैं MSP का जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया है उसके लिए प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और देश भर के लाभान्वित किसानों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ।